श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की बड़ी घटना सामने आई है। दरअसल यहां आप बता दें कि केशधारी युवक ने गुरुद्वारे के अंदर घुसकर पाठ कर रहे ग्रंथियों को पीटना शुरू कर दिया और घटना रोपड़ जिले के मोरिंडा में घटी है। घटना के बाद गुरुद्वारे में मौजूद लोगों ने बेअदबी करने वाले युवक को पकड़ा और उसकी पिटाई शुरू कर दी। संगत युवक को घसीटते हुए गुरुद्वारे से बाहर ले आई और इस घटना के बाद इलाके के लोगों ने मोरिंडा में सड़क पर धरना भी शुरू कर दिया है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। एक तरफ लोगों ने इस घटना के विरोध में धरना शुरू कर दिया और ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से रोपड़ जिले के मोरिंडा में ये घटना घटी है। और श्री गुरुद्वारा साहिब के अंदर जब लोग पाठ कर रहे थे, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पाठ कर रहे थे, उसमें पहुंचकर उसने खलल डालने की कोशिश की है और पीटना शुरू कर दिया लोगों को। बेअदबी की घटना इस तरीके से ये सामने आई है और इसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने उसे पकड़ा, उसके बाद उसकी जमकर पिटाई की और फिर घसीटते हुए सड़क पर ले आए, बाहर ले आए और वहाँ लाकर के भी उसकी पिटाई की है। हालांकि इसके बाद लोग, तमाम जो इलाके के लोग हैं, वो सब सड़क पर बैठ गए हैं, धरना यहाँ शुरू कर दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, रोपड़ के मोरिंडा में ये घटना घटी है। गुरुद्वारा साहिब में पाठ पढ़ रहे थे जब संगत के सदस्य, तभी उसने आकर वहाँ सभी को पीटना शुरू कर दिया, लोगों के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। इसके बाद नाराज लोगों ने उसे पकड़ा और इस पूरे घटनाक्रम पर आपको बता दें कि सीएम भगवंत मान ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई होगी और कानून के मुताबिक किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस घटना को लेकर सीएम भगवंत मान ने अपनी सख्ती अपने की दिखाई है और उन्होंने इस बात को लेकर स्पष्ट किया है कि इस पूरे घटनाक्रम की जाँच होगी। कौन है इस शख्स, क्यों इस तरह की घटना को उसने अंजाम दिया है, क्या इसके पीछे वजह रही है, तमाम स्थितियों को देखा समझा जाएगा। लेकिन श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का ये जो मामला है, इसे किसी भी सूरत में हल्के में नहीं लिया जाएगा। इसको गंभीरता से सरकार ले रही है और इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और इस पूरे मामले की जांच के दौरान जो भी शख्स, जो भी इसमें आरोप बनते हैं, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो सीएम भगवंत मान ने ट्वीट करके इस घटना की निंदा करते हुए इस मामले में सख्ती के संकेत स्पष्ट तौर पर अपने शब्दों में दिए हैं। भगवंत मान ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी साझा की है कि इस दौरान जो गुरुद्वारा साहिब में मोरिंडा में घटी है घटना, इसका कड़ा संज्ञान सरकार ले रही है और इस मामले में बिल्कुल भी नरमी नहीं बरती जाएगी और पूरी सख्ती के साथ पेश आया जाएगा और इस तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जिस जो यहाँ संगतों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाने की कोई घटना हो या अमन अमान के को लेकर कोई अगर चुनौती आती है तो किसी भी सूरत में इसको हल्के में नहीं लिया जाएगा और पूरी गंभीरता के साथ इस मामले की जांच की जाएगी और जो भी न्याय इस मामले में कार्रवाई बनेगी, तर्कसंगत कार्रवाई होगी, उस सबको अमल में लाया जाएगा। इसके आपको बताते चले कि पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इस घटना में सख्त कार्रवाई की मांग की है। हालांकि उन्होंने सरकार पर जरूर सवाल उठाया है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस घटना की कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी निंदा की है और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात उन्होंने